अच्छा जी हम जिंदगी में कितनी दफ़ा उन लोगों को माफ़ कर देते हैं उनसे बार बार माफ़ करते रहते हैं बार बार माफ़ करते रहते हैं जिन लोगों को हम खोना नहीं चाहते और जिन लोगों को हम खोना नहीं चाहते तो हमारा हम कहते हैं कि यार ये हमसे नाराज़ ना हो या हमसे दूर ना जाएं बज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बात ऐसी नहीं होती लेकिन उस बात पे हम अगले बंदे को इतनी तसलियाँ दे रहे होते हैं इतनी कस्में उठा रहे होते हैं कि यार कहीं ये ना नाराज हो जाए हमसे कहीं इसका मूड ना ऑफ हो जाए कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए तो मैं कहती हूँ कि बड़े ख़ास होते हैं वो लोग जो जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा ख़ास मुकाम रखते हैं एक बड़ी ख़ास जगह रखते हैं आपकी ज़िंदगी में तो ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आए ना तो उनको संभाल के रख लें क्योंकि इस तरह के लोग ना बार बार नहीं मिलते और ना ही आप किसी किसी से इतने अपने नाज नखरे उठवा सकते हैं और ना ही कोई आपके उठा सकता है तो इसलिए अगर कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में है तो कोशिश करें कि उसको संभाल कर रखें क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है पता भी नहीं चलता किस तरह से दिन गुज़र जाते हैं किस तरह से महीने गुजर जाते हैं और किस तरह से साल गुजर जाते हैं और कब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बहुत कीमती होते हैं इस तरह के लोग तो उनको संभाल के रख लेना चाहिए